कॉन्सेप्ट ऑफ रूलिंग। देखो एक पॉइंट को समझो, एक टाइप की मोशन है कि अगर आपके पास कोई भी एक सर्कुलर बॉडी है, चाहे वो रिंग है, चाहे डिस्क है, चाहे स्फेयर है, कुछ भी है, अगर वो बिल्कुल भी घूमती नहीं है और सरफेस के ऊपर स्लाइड करती जाती है, घिसटती जाती है, उस मोशन को क्या बोलते हैं? प्योर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब लीनियर मोशन, सिंपल। ट्रांसलेशन मोशन की क्या खास बात है कि अगर सेंटर ऑफ मास की इधर जाने की वेलोसिटी 10 है तो इस हिस्से की भी 10 है, इस पार्टिकल की भी 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, पूरी की पूरी बॉडी का हर पार्टिकल 10 के साथ मूव करता है। ये है प्योर ट्रांसलेशन, जो हम काइनेमेटिक्स में सब करके आए हैं। दूसरे टाइप की मोशन है प्योर रोटेशन। पंखा प्योर रोटेशन में है, वो एक टायर की तरह आगे नहीं चल रहा, खड़ा खड़ा घूम रहा है। तो अगर आपकी बॉडी एक ही जगह खड़ी खड़ी घूमती रहे, उसे बोलते हैं प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन। लेकिन अगर आप उस प्योर रोटेशन को ध्यान से देखें और स्पेशली सेंटर ऑफ मास को देखें, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता प्योर रोटेशन में। सारे पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के आसपास आसपास घूमते रहते हैं, पर सेंटर ऑफ मास लाइज एट रेस्ट। कोई डाउट इसमें? सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता है। अब लेकिन हमारी बॉडी कैसे घूमती है? टायर की तरह। टायर मीन्स आगे चलता है। तो हमारी बॉडी अगर आगे भी जा रही है और सारे पार्टिकल घूम भी रहे हैं, तो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आपकी बॉडी ऐसी दिखेगी, सेंटर ऑफ मास आपको आगे दिखेगा और बाकी सारे पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमते दिखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? रोलिंग या प्योर रोलिंग। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब न्यूमेरिकल करते हैं, वो कहते हैं यार फर्क क्या पड़ता है, एक टायर प्योर रोटेट करे या रोल करे, एक ही बात है। एक बात है ही नहीं, एक बात होती मैं लिखना देता एक ही बात। तो ये बहुत ही बारीक अंतर है। अगर आप इसको नहीं पकड़ पाए तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आप, क्योंकि इसमें ना एनर्जी के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है, एक्सेलरेशन में भी एक कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअल में दो किस्म की मोशंस हैं जब एक बॉडी रोल करती है, तो वो दो किस्म की मोशन से बनी हुई है, पहली ट्रांसलेशन और दूसरी प्योर रोटेशन। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हम डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं स्टडी कर लेते कि भाई बॉडी रोल कर रही है, मैं आपको चार फॉर्मूले लिखाऊं, बात खत्म हो जाए, है ना? कितना आसान हो जाए कि वी यू प्लस ए टी लगा दो, एक टायर रोल कर रहा है लगा दो, आंसर आ जाएगा। आता नहीं ना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल चलेगा, न्यूमेरिकल प्योर रोलिंग का चल ही नहीं पाता। अगर आप ये कहोगे कि मैं एक ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा प्योर रोलिंग सॉल्व हो जाएगी, होएगी नहीं। आपको प्योर रोलिंग को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ता है, प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन। तो जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एक बॉडी रोल करती हुई जा रही है, रोल बोल रहा हूं मैं, तो आपको सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी कैसी दिख रही है? बोलो, स्ट्रेट लाइन। सेंटर ऑफ मास प्योर रोलिंग में कैसे जाता है? स्ट्रेट लाइन, यानी कि प्योर ट्रांसलेशन। सेंटर ऑफ मास रोलिंग में कभी भी नहीं घूमता, याद रखना। सेंटर ऑफ मास हमेशा प्योर किस में होता है? ट्रांसलेशन में होता है, पहला कॉन्सेप्ट। और बाकी पार्टिकल किस में होते हैं? प्योर रोटेशन में, बाकी घूम रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं सेंटर ऑफ मास पे, ट्रांसलेशन का काइनेमेटिक्स लगा देते हैं सिंपल, और बाकी पार्टिकल पे लगाते हैं सर्कुलर मोशन वी इक्वल टू आर ओमेगा, और दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं, रोलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन को तोड़ लेते हैं, ट्रांसलेशन सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं कि सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन में है, बाकी पार्टिकल को घूमता हुआ दिखाते हैं तो सर्कुलर कॉन्सेप्ट लगते हैं, और फिर मिला के प्योर रोलिंग हो जाती है। कैसे होती है वही सिखाना है। तो पहली चीज ये तो समझ में आ गई कि प्योर रोलिंग जो है या रोलिंग जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन है, लेकिन ट्रांसलेशन में कौन रहेगा याद रखना? ओनली सेंटर ऑफ मास। अब जो अगला रिजल्ट है इसमें, जो नेक्स्ट रिजल्ट है, वो ये कहता है अगर मान लो आपके पास कोई भी एक डिस्क है या कोई भी एक बॉडी है जो प्योर रोलिंग में और रोल कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, मैं इसलिए लिखवा भी नहीं रहा हूं क्योंकि ये कुछ भी आने वाला है नहीं है,
जाने वाली चीज़ अभी लिखेंगे हम अभी कॉपी के अंदर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी रोल कर रही है, रोल कर रही है, एक टायर रोल कर रहा है, तो टायर रोल कर रहा है यहां से यहां आ गया एक चक्कर में, इंपॉर्टेंट है एक चक्कर में, एक चक्कर का मतलब कैपिटल टी। और मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म ओमेगा से घूम रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, तो कॉन्स्टेंट ओमेगा के साथ चल रहा है, तो एक चक्कर में क्या हुआ, आप यहाँ पेंट का निशान लगा दें, कोई पेंट लगा दें और बॉडी को घुमाएं, तो आप देखेंगे इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है यहां से यहां जाएगी। करके देख लेना, कोई भी अगर आप एक ऑब्जेक्ट ये लें, निशान लगा दें यहाँ पे, तो जब ये घूमेगा ये ऐसे जाएगा, फिर ये निशान ऊपर आ जाएगा, तो देख रहे हो ये ट्रेजेक्ट्री ऐसे है, तो ये इसकी ट्रेजेक्ट्री के एक चक्कर में। मैथ का रिजल्ट है, आप घर जाके चाहे इसका रेडियस माप के करके भी देख लेना, एक चक्कर के अंदर सेंटर ऑफ मास यहां से यहां जाएगा इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करता है, 2πr, याद रखना। तो एक कैपिटल टी रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड बाय सेंटर ऑफ मास कितने है, 2πr। अब क्योंकि इसमें ये अजम्पशन है कि आपका टायर स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहा, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मेगा, तो वी सेंटर ऑफ मास भी यूनिफॉर्म है, तो वी सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म है, तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो प्योर ट्रांसलेशन में है, काइनेमेटिक्स की सारी इक्वेशन एप्लीकेबल है, तो आप सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन लगा लो, एस इज इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास एक चक्कर में कितना है, 2πr। वेलोसिटी कितनी है सेंटर ऑफ मास की, वी सेंटर ऑफ मास। और टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा। यहां से 2π से 2π कैंसिल और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वी सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा का मतलब है कि अगर कोई बॉडी या टायर रोल कर रहा है, तो आपको जैसे न्यूमेरिकल में गिवन है, अगर आपके पास कोई भी टायर रोल कर रहा है विद ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियंस पर सेकंड दे दिया, कांस्टेंट है, इसका टायर का रेडियस 1 मीटर है, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन में, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप क्या लगाएंगे, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर की वैल्यू कितनी है 1 और ओमेगा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या सही फॉर्मूला है, रोलिंग के अंदर सेंटर ऑफ मास जो स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा उसका फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा के आप वी से ओमेगा और ओमेगा से वी निकाल सकते हैं। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है जब ये टॉपिक चलता है, स्टूडेंट कहते हैं ये तुमने ऑलरेडी कर रखा है, इसमें क्या नई बात है, क्या हमने ऐसा फॉर्मूला सुना हुआ है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, कहाँ, सर्कुलर में। उस फॉर्मूले का इस फॉर्मूले से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, हमने कौन सी बॉडी रोल करवाई थी, तो पॉइंट मास था, पर कोई कहता है सर फॉर्मूला तो सेम ही था। अब दुख की बात यह है, फॉर्मूला सेम था, अब तुम्हें कैसे समझाएं कि वो अलग है ये अलग है। अच्छी बात यह है तुमसे गलती भी होगी, घूम फिर के फॉर्मूला तो एक ही है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, गलती होने का चांस ही नहीं है, फॉर्मूले तो है ही नहीं, फॉर्मूला ही एक है। अब लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या, ये सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन जाने की वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैंने बता दिया व्हेन अ बॉडी इज रोलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मूव फॉरवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ आर ओमेगा। लेकिन साथ में ये भी लिख दिया ताकि रेफरेंस के लिए कि वी हैव ऑल्सो स्टडीड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किया था, लिख दिया मैंने क्लियर। लेकिन उसके अंदर ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थोड़ी ना थी, ये वेलोसिटी कौन सी थी, टेंजेंशियल वेलोसिटी थी। टेंजेंशियल कैसे, जैसे एक कोई भी पॉइंट मास पत्थर घूम रहा है इन रेडियस ऑफ आर, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस वेलोसिटी का, इस डायग्राम का, इस डायग्राम के साथ कोई लेना देना नहीं है, हालांकि फॉर्मूला सेम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो ये बिल्कुल डिफरेंस क्लियर दिख रहा है आपको कि टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने का भी यही तरीका है और सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी निकालने का भी यही तरीका है। मैंने अपने केस में ये इमेजिन किया है कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताएं अगर ओमेगा किसी ने बढ़ा दिया तो कोई बात नहीं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। भाई अगर तुमने रेस दे दी टायर की, गाड़ी की रेस दी, टायर तेज तेज घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास भी तेज तेज घूमेगा, तो ऐसे केस में ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा। ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा तो उसमें क्या जनरेट हो जाएगा, अल्फा जनरेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तब भी वैलिड है अगर मैं दोनों तरफ से इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये क्या देगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या देगा, अल्फा।
तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर टाइम्स एल्फा। पॉइंट क्लियर है? अब देखने में ये फॉर्मूला भी सर्कुलर मोशन ही तरह है, लेकिन उसका लेना देना नहीं है। तो फॉर्मूला नोट करें, रोलिंग के अंदर लिखें इन केस ऑफ रोलिंग या प्योर रोलिंग, मैं ये बार बार प्योर रोलिंग क्यों कर रहा हूं, रोलिंग भी तो बोल सकता हूं। इम्प्योर रोलिंग क्या होती है? नहीं, नहीं, एग्जाम्पल से सुन लो। आप गाड़ी लेके चले गए, मान लो मिट्टी में फंसा ली आपने गाड़ी, कि चलो जी वो कर एडवेंचर करेंगे, गाड़ी को गिली मिट्टी में फंसा ली और फंस गई। अब हो क्या रहा है, निकलने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो टायर रेस दो, टायर बहुत तेज घूमेगा, ओमेगा बहुत तेज है, सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल हल्का हल्का आगे चल रहा है। यू कैन नॉट अप्लाई वी इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि वी सेंटर ऑफ मास तो चल ही रहा। मान लो मिट्टी में आपका टायर हल्का सा आगे गया, मान लो सिर्फ 1 मीटर आगे गया, टायर तो बहुत तेज घूम रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। जबकि जब सड़क पर टायर घूमता है तो अगर ओमेगा इंक्रीज है तो वी भी इंक्रीज है, लेकिन मिट्टी में फंसा हुआ टायर का ओमेगा ज्यादा है, वी कम है। यानी कि आर ओमेगा इज ग्रेटर देन वी सेंटर ऑफ मास, सही है? ये इम्प्योर रोलिंग है, हम इसको स्टडी नहीं कर रहे अभी, इसको बाद एंड में करेंगे जब पूरा रोटेशन आ जाएगा, उसका लेवल अलग है। फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन पर स्टडी करनी पड़ती है, तब आता है। एक और है, आप बाइक चला रहे हैं, आपने सडनली एक ब्रेक मार ली, आप स्लो मोशन में देखें आपका टायर बहुत स्लो घूम रहा है लेकिन स्किडिंग बहुत तेज हो रही है, वी सेंटर ऑफ मास बहुत ज्यादा तेज है, आर ओमेगा बहुत स्लो हो गया, वी कैन नॉट अप्लाई वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो आप एक नॉर्मल सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, इस केस में से बोलते हैं प्योर रोलिंग। तो इसलिए बार बार क्वेश्चन में लिखा जाता है कंसिडर केस ऑफ प्योर रोलिंग, समझ में आ रहा है वो क्यों बोलता है, कोई स्किडिंग मत ले लेना, या ऐसा जरूर बोलेगा कंसिडर केस ऑफ प्योर रोलिंग विदाउट स्किडिंग, भाई तुम कहीं स्किड मत कर देना, नहीं तो वी इक्वल टू आर ओमेगा एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए ठीक, खैर अभी हम उस ट्रैक पे जाएंगे नहीं, थोड़ा टेढ़ा ट्रैक हो गया, पर समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है। अब इसमें ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, रोलिंग में एक तो ये कर लें, वी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या लिखाया था, आर इंटू ओमेगा, ये फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला, ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर टाइम्स एल्फा वाला फॉर्मूला, ये नोट कर लें।